यहाँ पे हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि मक्का से मदीना लगेज वगैरह हमने नीचे पहुँचा दिया था। चार चार हम हो गए थे, बस थोड़ा सा लेट एज यूजुअल यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं अपनी टैक्सी का जिसने हमें लेके जाना है मदीना। फारूक सामान सामान रखवा रहे हैं, मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ। फाइनली वी आर ऑफ टू मदीना और इतनी मैं खुश हूँ। बस मेरी एक्साइटमेंट का जो लेवल है ना वो इधर से इधर गया है, मदीना जाने की खुशी और मक्का छोड़ने का गम भी है। बट चलो, मुझे ये भी है कि मैंने वापस आना है यहाँ पे 3 नाइट्स दोबारा में यहाँ है मक्का में इंशाल्लाह। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। मैंने सुबह थोड़े थोड़े क्लिप्स बनाए, मैंने कहा वॉइस ओवर ऐड कर दूँ, फिर मैंने कहा यार मज़ा नहीं आता इस तरह वॉइस ओवर ऐड करने का। तो हमारा सफ़र जो है वो शुरू है मदीना की तरफ, और क्या कहते हैं रास्ते में 2-3 ज्यारतें थी वो हमने करनी है, आप लोगों को भी साथ साथ करवाएँगे। एक तो है आबे शफा और दूसरी है बेह रोहा कुछ इस तरह, क्या नाम है उसका, जंगे बदर तो है बट वो उसके अंदर जो ज्यारतें वो क्या है, एक आबे रोहा, हाँ आबे रोहा और आबे शफा। तो आबे शफा तो जो हमारे ड्राइवर हैं वो कह रहे हैं कि बंद किया हुआ है, वहाँ पे पॉसिबल नहीं है जाना, कंस्ट्रक्शन हो रही है कोई, बट बेहे रोहा आबे रोहा जो है आई थिंक यही है, चलो आ रही हूँ। तो आई थिंक जो वो है ना उसमें हम जा सकते हैं और वहाँ से पानी वानी लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मुझे याद है कि मामा उसमें जितनी दफ़ा आई है ना मामा लेके जाती थी, पर मामा आबे शफा से लेके जाती थी, लेकिन वो बंद है। बट लेट्स सी, हम फिर से आ गए अलबेग, क्योंकि फारूक का जो है ना फेवरेट हो गया अलबेग, न्यू फेवरेट रेस्टोरेंट। फारूक को तो एक ही दिल है कि मैकडॉनल्ड्स पे लोग एक बर्गर से 38 रियाल का आता है, और यहाँ से हमने 3 मील्स किए हैं 38 रियाल में। हम मदीना जा रहे हैं, थैंक यू। आई कैन ईट दिस ऑल डे एवरी डे, इतनी आदत हो रही है ना मुझे खाने की। शुक्र है कि इसके बाद हमने कहीं और जाना, वहाँ पर भी ये अवेलेबल है। पाकिस्तान जाके मिस करेंगे, पर अभी लोग काफ़ी पैक करके भी ले आते हैं, तो मैं मामा से पूछूंगी किस तरह हम वहाँ लेके आ सकते हैं इसको। और पाकिस्तान में एक फेसबुक पे ग्रुप है, वो पूरा अलबेग लेकर आते हैं, वहाँ पे सेल करते हैं और बहुत रीजनेबल प्राइस में, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, 3000, 2000, 1500 इस तरह इनकी ड्यूज़ आती है वहाँ पे पाकिस्तान में। एक ग्रुप है वो लेकर आते हैं प्रॉपर, और एवरी वीक उनकी जो है ना शिपमेंट्स आ रही होती हैं। तो मैं शेयर करूँगी अगर मुझे उसका लिंक मिल गया, वरना आप लोग मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। जिनको क्रेविंग होती है ना अलबेग की वहाँ रह के, तो मैं उनको ज़रूर बताऊँगी और वो पेज का जो लिंक है उनको दे दिया करूँगी। पता नहीं किधर गए, आप मेरा चैनल देख रहे हैं? हाँ मैं देख रही हूँ आपका चैनल। थैंक यू, थैंक यू, बाय। हम लोग रास्ते में अब रुके हैं मस्जिद अरीश पे, और ये मस्जिद अरीश जो थी यहाँ पे हजूर पाक सलम का खैमा मुबारक था, और यहाँ पे जंगे बदर जो हुई थी ना पहली यहाँ से स्टार्ट हुई थी। हमें ड्राइवर ने यही बताया है, लेकिन मैं पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ूंगी, कहीं भी मुझसे गलती कोताही हो गई हो तो माजरत है उसके लिए। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना वो बता सकते हैं अगर किसी को पूरी हिस्ट्री इसकी पता है। सो दिस इज़ द मॉस्क, और इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अरीश, मस्जिद अल अरीश। मैं अंदर जाऊंगी, नफल अदा करूंगी और फिर हम अगली अपनी ज्यारत पे पहुंचेंगे। वो बता रहा था कि ये मस्जिद थी, यहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लम नमाज पढ़ते थे, और इस साइड में उनका खैमा होता था, खैमे मुबारक जहाँ पे वो रेस्ट करते थे, और यहाँ पे पहली जंगे बदर की जंग स्टार्ट हुई थी वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी इस जगह से। काफ़ी रश है यहाँ पर, उन्होंने छोटा सा स्टॉल भी लगाया हुआ है जिसमें नेस्कैफे की कॉफ़ी है, और ये बैन है, हमने नहीं पीनी है भाई। और ये हैं कोई चीज़ें साथ में, ग्रीन टी है, चाय है, हलीब दूध, हाँ हलीब दूध कह रहे हैं, हलीब दूध की चाय है और ग्रीन टी भी है, हलीब दूध, कॉफी, चाय, सुलेमानी, हलीब, लेमन, नाना, थैंक यू। ऊपर जा रही हूँ मैं नफर अदा करने के लिए, वो कह रहे कि नीचे जगह नहीं है, ऊपर जाना होगा, मतलब नीचे जगह जगह मतलब कि है ही नहीं, प्रेयर रूम ही ऊपर है,
एंड इट्स वेरी वेरी ऊपर. या वहाँ भी लोग जा रहे हैं, वहाँ पता नहीं क्या सीन है और लोग क्यों जा रहे हैं या आ रहे हैं. पूछती हूँ यहाँ आएंगे तो कैसा क्या है यहाँ पे, क्योंकि हमें तो उसने कुछ ऐसा नहीं बताया. उसने बोला बस यहाँ पे खैमा था और ये मस्जिद अरीश थी जहाँ पे नफल वगैरह अदा करते हैं लोग आकर. अबू जहल की कब्र है. जी जी अबू जहल. ये जो पत्थर है ये वाली, ये फारूक भाई, इसीलिए लोग वहाँ जा रहे थे. अभी हम आ गए शौदा बदर में. यहाँ पे 14 सहाबा कराम की जो है शहादत हुई थी, उनके नाम सारे लिखे हुए हैं. मैं आप लोगों को बता दूंगी, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी या यहीं पे कैप्शन में ऐड कर दूंगी. मुझे एग्जैक्ट सबके नाम नहीं याद. मैं दिखाती हूँ आपको जहाँ पे कुफार ने उन पर हमला किया था पहाड़ के बीच से. शायद यही सारी हिस्ट्री है. अगर मुझसे कुछ थोड़ी बहुत गलती होती है तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं आप लोग कॉमेंट सेक्शन में. 314 मेरे ख्याल में कितना सहाबा कराम इधर थे. हाँ, जब जंग हुई थी 14 साहब अकराम जो शहीद हो गए थे उनके नाम लिखे हुए हैं. 1000 से ज़्यादा मुशरिकीन जो यहाँ पे मुकामी लोग हैं वो लोग भी यहाँ पे अपने प्यारों को दफनाने लग गए थे, इसलिए उन्होंने ये इस तरह बंद कर दिया कि अब यहाँ पे कोई कब्र नहीं और बन सकती. और इस स्ट्रीट का नाम भी यही है, शहदा स्ट्रीट. जिन साहबा इकराम की यहाँ पे कब्र मुबारक है उनके यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं. मैंने भी पास आके देखे हैं, सारे नाम ये लिखे हुए हैं. जंगे बदर में जो फरिश्ते उतरे थे मुसलमानों की मदद के लिए, भी यहाँ उतरे थे और इसको कहते हैं जबले मलाइका. यहाँ पे जो इतनी बारिश हुई थी, इतनी बारिश हुई थी कि जो पत्थर का पहाड़ है ना, कहते हैं कि ये इस तरह मट्टी का पहाड़ बन गया उसके बाद, इतनी बारिश हुई थी. और ये वो एग्जैक्ट जगह है जबले मलाइका जहाँ फरिश्ते उतरे थे मुसलमानों की मदद के लिए. तो अब हम लोग रुक गए हैं बीरे रोहा पे. यहाँ की एग्जैक्ट हिस्ट्री जो है ना वो मुझे मालूम नहीं है, जितनी मालूम है वो बता देती हूँ. और अगर उसमें भी मेरी कोई गलती हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हैं. कहते हैं कि यहाँ से हुज़ूर पाक सल्लम गुजर रहे थे और पानी पीना था, और जो कुआँ था वो बहुत पानी का ना कड़वा था. तो यहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लम ने अपना लब मुबारक फेंका था और उसके बाद वो जो पानी है वो बहुत मीठा हो गया था. और लोग अक्सर यहाँ से पानी लेकर जाते हैं कि कोई बीमारी है कुछ है तो उनको शिफा मिलती है. ये दो हैं, एक बीरे शिफा है एक बीरे रोहा, बट नॉट श्योर कि अब इस वाले की क्या हिस्ट्री है प्रॉपर. यहाँ पे लोग कंटेनर सेल कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ से पानी भर सकते हैं. मैं वैसे लेकर आई थी एक, पर फारूक ने कहा कि नहीं वो ले जाते हैं मामा और आंटी के लिए जो है ना, क्योंकि मामा जितनी दफ़ा आई है ना यहाँ से पानी लेके गई हैं. तो अब हिस्ट्री तो मालूम पूरी एग्जैक्ट नहीं है, बट जितनी पता है वो मैंने बताई आप लोगों को. बीरे रोहा पे और कहा जाता है कि बीरे रोहा में कुआं था जिसका पानी बहुत कड़वा था, तो हुज़ूर पाक सल्लम ने अपना लब मुबारक उसमें फेंका और वो शहद की तरह मीठा हो गया पानी. साथ साथ ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे उनको वज़ू करना था लेकिन कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी, कोई दीवार नहीं थी, तो उन्होंने यहाँ पर 3 दरख्तों को इशारा किया कि इधर आओ. और वह दरख्तों ने आके हुज़ूर पाक सल्लम के इर्द गिर्द दीवार बना ली. और सुभान अल्लाह, और ये नहीं मालूम कि वो खजूर के दरख्त है किस चीज़ के दरख्त है. और यहाँ से लोग पानी लेके जाते हैं जिसको आब शफा भी कहते हैं. एग्जैक्ट हिस्ट्री मुझे नहीं मालूम क्योंकि किसी हदीस में मैंने नहीं पढ़ा अभी तक. मैं पढ़ूंगी ज़रूर शेयर करूंगी वो भी. और साथ में कहते हैं कि जिसको स्टमक का प्रॉब्लम हो, किडनी प्रॉब्लम हो, वो ठीक हो जाता है. मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के बारे में. अगर आप इसे किसी को भी बताए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और मेरे से कोई ना कोई गलती हो गई तो भी बताइएगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट हिस्ट्री नहीं पता. हमारे ड्राइवर जो हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ साथ साथ. लेकिन ये मुझे पता है कि मामा जब आती थी ना तो यहाँ से लेके जाती थी, बीरे रोहा से भी और बीरे शफा से भी, दोनों जगह पे हम लोग रुकते थे. लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि जो शिफा वाला पानी है उसको बंद कर दिया हुआ है क्योंकि उसकी जो है कोई हदीस मुबारक नहीं है, वो कहीं पे मेंशन नहीं है, बट स्टिल लोगों का एक कॉन्सेप्ट है तो वो बंद है, उसको जंगले लगा के बंद कर दिया गया. तो बस ये खुला हुआ. और यहाँ पर हज़रत सलम ने नमाज भी पढ़ी थी, नफल अदा किए थे. और वो मस्जिद में दिखाती हूँ आप लोगों को. नहीं, वो भी बंद कर दी गया, वो भी नहीं है. तो यहाँ पर ये लोग इस तरह केन्स सेल कर रहे हैं ताकि आप लोग पानी भर सकें. और पानी के जो लगे हुए हैं वो मैं दिखाती हूँ. ये लोग यहाँ से पानी भर रहे हैं. ये जगह बोतल 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 बोतल. अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मदीना पहुँच गए हैं और बस अब चेक इन करेंगे और अजान का टाइम हो रहा है, फिर फौरन इंशाल्लाह नमाज के लिए पहुँचेंगे इधर. वेटिंग फॉर पार्क टू कम बिकॉज उसके पास वाउचर है हमारे होटल का. ये है जी इनकी वेलकम ड्रिंक और ये सबको ज़रूर सर्व करते हैं. यहाँ पे दें मुझे इजाज़त. नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फारूक के बर्थडे वाले व्लॉग में. लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. थैंक यू.